बोला जाए तो पुलिंग की और माहौल के अंदर पूरा इस तरीके का बन चुका था, आना सागर पूरा गूंज रहा था बच्चों की आवाज़ों से, कैडेट्स की आवाज़ से। टू राज नेवल यूनिट एनसीसी अजमेर के अंतर्गत ये सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप 19 जून से शुरू हुआ था, जो आज जिसका समापन हुआ है। और इसमें 110 कैडेट्स थे जो पूरे राजस्थान से आए थे, उन्होंने इसके अंदर सम्मिलित हुए। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनमें कैडेट्स ने कई तरह की विधाएँ सीखी थी, जो कल सुबह इन्होंने एक बहुत अच्छा वोट पोलिंग जिसको कहते हैं उसकी एक रेस हुई थी, और कैडेटों ने बहुत अच्छा बोला जाए तो पोलिंग की और माहौल के अंदर पूरा इस तरीके का बन चुका था, आना सागर पूरा गूंज रहा था बच्चों की आवाज़ों से, कैडेट्स की आवाज़ से। और इन 10 दिनों में कई तरह के इवेंट्स हुए, उसके अंदर में कई कैडेट्स ने प्रतिस्पर्धाओं में जो सम्मिलित हुए उनमें से कई लोगों को हमने सम्मानित किया, जिन्होंने प्रथम द्वितीय या तृतीय पोजीशन पाई। और जैसे ग्रुप इवेंट थे तो उसमें हमने उनको कोई शील्ड भी दी। तो इस तरीके से कल रात को रीजनल इंस्टीट्यूट के अंदर में उनके एक सामुदायिक सदन के अंदर में कल्चरल प्रोग्राम किया बच्चों ने, और उसके बाद इनको जो है वहाँ पर सम्मानित किया गया। कल हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर SV शर्मा, जो कि प्रिंसिपल हैं रीजनल इंस्टीट्यूट के, और साथ में हमारे ग्रुप कमांडर NCC के कर्नल भास्कर चक्रवर्ती, वो भी कल सम्मिलित थे। और उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनको जो है पुरस्कार वितरण किए। इसमें कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे और सर कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया था? इसमें 110 कैडेट्स जो नेवी विंग के कैडेट्स हैं NCC के, उन्होंने वो सम्मिलित हुए थे। और ये कैडेट्स जो है राजस्थान के 3 यूनिट हैं, जयपुर, उदयपुर और अजमेर, इन तीनों जगहों के कैडेट्स आए हुए थे। और ये पूरे राजस्थान के सभी संभागों से बच्चे थे। ये 10 दिनों के अंदर सर क्या क्या कार्यक्रम हुआ, किस तरह आयोजन हुआ और क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? ये सेलिंग एक्सपीडिशन कैंप एक नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रतिस्पर्धा होती है NCC की, जिसको कहा जाता है मोस्ट एंटरप्राइजिंग नेवल यूनिट। ये रिपब्लिक डे RDC जब हमारा कैंप होता है उस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा एक रोलिंग ट्रॉफी दी जाती है। तो उसके तहत राजस्थान के अंदर हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी इसमें एक कैंप करने की, जिसको हम कहते हैं सीलिंग एक्सपीडिशन कैंप। तो इसका वो मेन उद्देश्य ये था कि हम कैडेट्स को पहले तो इन विधाओं की शिक्षा दें, ताकि वो नावों को और सेलिंग बोट को, इन सब को पानी के अंदर चला सकें, और वो चलाने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उन्होंने जो है आना सागर में कितनी लंबा डिस्टेंस कवर किया, तो ये सब बातों को लेकर हम जो है प्रस्तुत करते हैं ऊपर। और इसके बेसिस पे नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे ये डिसाइड होता है कि किसको ये ट्रॉफी मिलेगी। आपका पूरा नाम? कमांडर मनीष सिंह, कमांडिंग ऑफिसर टू राज नेवल यूनिट NCC अजमेर।